नमस्कार, आप सभी सीजीपीएससी एस्पायरेंट का कंपटीशन कमेटी पर स्वागत है। सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा पर आधारित एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है संग्राम सीरीज। गाइस, हम इस पर बात कर रहे हैं उन सभी एस्पायरेंट पे जो सीजीपीएससी मेंस लिख रहे हैं। हम प्रयास करेंगे इस सीरीज के माध्यम से आप सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा में मैक्सिमम मार्क्स ला सके और अपने लेखन शैली को किस तरह से विकसित कर पाएंगे, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन क्लास हम पहले भी ले चुके थे कि आखिर क्या इसका पैटर्न रहा है, क्या इसका सिलेबस है, इन सभी मुद्दों पर हम डिटेल बात कर लिए थे कि दो मार्क्स में किन किन टॉपिक्स को टच किया जाता है, चार मार्क्स में मैक्सिमम किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, आपके 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया तो किन किन टॉपिक से पूछा गया, इन सभी मुद्दों पर हम एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो करीब आधा घंटे का हमने रिकॉर्ड करके आपको दे दिया था। उम्मीद करते हैं आप सभी पेरेंट्स उस वीडियो को देखे भी होंगे। आज हमारा संग्राम सीरीज का पहला वीडियो है जिसमें हम आज कुछ क्वेश्चन लेंगे अलग अलग चैप्टर्स का। हाँ, कुछ क्वेश्चन दो मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन चार मार्क्स के होंगे, कुछ क्वेश्चन मान लो 10 मार्क्स में जो डीआई पूछा जाता है, हम डीआई पर भी चर्चा करेंगे। आज के सेशन में हम दो अलग अलग डीआई को रखे हैं क्योंकि डीआई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो इस सीरीज को शुरू, ये वीडियो शुरू करने से पहले कई बातें बच्चे मन में ख्याल आता है सीरीज को लेकर के, हम थोड़ा उन पर चर्चा जरूर करना चाहेंगे। क्योंकि जब मैथ्स की बात आती है, कई बच्चे सीजीपीएससी में खास करके जो एस्पिरेंट होते हैं मैथ्स को लेकर थोड़ा डरते हैं बच्चे कि सर मैथ्स में ये लैंग्वेज कहां पे बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, सर ये समझ नहीं आता है। लैंग्वेज के डर से बच्चे कई बार क्वेश्चन की शुरुआत ही नहीं करते हैं क्योंकि सर ये क्वेश्चन का सोल्यूशन तो मुझे पता लेकिन इसकी लैंग्वेज ही नहीं पता, सर क्या मैं लिखूं। मेरा मानना है इतना स्ट्रेस लेकर के एग्जाम में मत जाइएगा, अगर आपको प्रोसेस पता है तो उसको देखिए और लिखिए, सीधी बात है ना। लैंग्वेज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, उतना ज्यादा नंबर नहीं काटता अगर आपको प्रोसेस पता हो तो प्रोसेस को देख करके हम लैंग्वेज को कैसे लिखते हैं हम आज उस पर बात करेंगे। बट मैं कोशिश करूंगा कि आपके अंदर एक लैंग्वेज लिखने का जो एक अप्रोच है वो डेवलप हो जाए क्योंकि रट करके पेपर में आप नहीं जा सकते। क्वेश्चन कुछ अलग आ जाता है तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से हम कैसे उसको अप्रोच करेंगे, किस तरह से लैंग्वेज को हम लोग लिखेंगे, हम अभी मुद्दों पर बात करूंगा। ठीक है, आइए हम बात करेंगे। सर दो नंबर के अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारी वर्ड लिमिट क्या होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, चार मार्क्स के क्वेश्चन है तो वहां पर कैसे रिएक्शन देंगे हम लोग, आइए हम लोग करके बात करते हैं। क्योंकि भाई दो तीन चीजें मेंस में आपके है ना जो ऐसे कॉपी देखकर ही मार्क्स मिलेगा बेटा, यही आपके मेरिट लिस्ट तैयार करते तो कहने के इस पर आपको मेहनत करने की जरूरत है। हाँ, एक बात बता दूं, प्री और मेंस की जो लेवल होते हैं, प्री के लेवल आपके ज्यादा डिफिकल्ट है, मेंस के लेवल आसान होते हैं। मतलब मेंस में कम मेहनत करके आप अधिक नंबर यहाँ पे उठा सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो एक करके हर एक चैप्टर से मैं कोशिश किया कुछ कुछ क्वेश्चन उठा लेने का है ना। आइए अगर पहले हम सेशन को बता दूं कि हमारे सेशन में अगर किन किन टॉपिक्स को टच किया हूं, हम प्रयास किए कि दो मार्क्स में आपके जो टॉपिक्स है रेशनल नंबर मुझसे भी क्वेश्चन उठाए, जैसे हमने कहा कि डीआई से भी दो अलग अलग डीआई में लिया हूं मैं, हम कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से उठाए, कुछ क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से उठाए है ना, कुछ क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से नजर आ जाएगा आपको। इस तरह से हम एक सेशन को क्या क्या तैयार किए। आज पहला पार्ट है, इसके और तीन पार्ट आपको आना है, आप टेंशन ना लो। प्रयास करूंगा कि चार वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट सेशन को कवर कर लेंगे। आ जाइए, पहला जो आपके क्वेश्चन दिख रहे होंगे आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह के सवाल ने सीजीपीएससी कई बार मेंस में पूछ चुका है, रेकरिंग पाला है ना, जिसको हिंदी में आप लोग आवर्त बोलते हैं, कई बच्चे इसको फ्रैक्शन में भी पढ़ते हैं आप लोग है ना। तो कभी अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो इसको मेंस में कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपके वर्ड लिमिट ध्यान रखना चाहिए, दो मार्क्स में सवाल है तो आपके सोल्यूशन भी दो मार्क्स में ही होना चाहिए, ध्यान रखना। आइए शुरुआत करते हैं जीरो लेवल से, लिखिए हिंदी में लिख दूंगा इंग्लिश में बोल दूंगा है ना भाई। सबसे पहले क्या करते हैं सर, ये अगला तो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है जिसको मुझे क्या करना है, भिन्न में यानी कि पी वाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला स्टेप होता है कि पहले इसको मान लेते हैं हम लोग, माना वाई बराबर इस पूरे टर्म को मान लो क्या बता है यहाँ पे 0.251 है ना, और ये आगे रिपीट होगा। आपको पता है सर ये रिपीटेशन क्या होगा, जिस पर बार लगा वही रिपीट होता, ध्यान रखिएगा ना। तो सर 5.1 पे बार लगेगा तो मतलब बात हो रही है 5.1 है ना, ये आपको इन्फिनिटी तक मिलेगा, तो इसको आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिएगा। ठीक, तो जैसे इसको मान लिए थे हम इस पैटर्न को, अब होता क्या है कि आपको ये पॉइंट के बाद देखना होगा कि यहाँ पे कौन से टर्म रिपीट हो रहे हैं कौन रिपीट नहीं हो रहे हैं, मतलब रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों तरह के टर्म होते हैं। तो क्या करना होगा, आपको एक ही काम करना होगा सर, ये पॉइंट के राइट साइड में इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो मैं समझा के कर रहा हूं ताकि नए सवाल को टैकल कर पाओगे। तो पहले सर किसको करो, रिपीटिंग वाले को करो या नॉन रिपीटिंग को, हमारे जो रिपीट नहीं हो रहा पहला स्टेप में हम क्या करेंगे उसी को लेफ्ट साइड में भेजेंगे। तो सर एक जो रिपीट नहीं हो रहा सर वो तो सिंगल डिजिट है,
कि सिंगल डिजिट है तो आप उसको क्या करोगे राइट साइड में भेजने के लिए क्या करोगे, किससे इंटू करोगे आप? सर उसको जो हम इंटू करने वाले हैं उसको हम सीधा 10 से करेंगे। अगर दो ऐसे टर्म होते जो रिपीट नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करते लेफ्ट साइड में ले जाने के लिए इसको 100 से इंटू करते दोनों साइड, तो यहां पे क्या करेंगे 10 से करेंगे। चलिए तो लिख लो समीकरण एक को, समीकरण एक को क्या 10 से गुना करने पर, गुना करने पर मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/10 है ना, तो जब जैसे 10 से गुणा कर रहे हैं क्या हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 10y और यहां से क्या हो जाएगा सर ये 2 उधर आ जाएगा, यानी 2.5151 ऐसे करके करके इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब बताओ हम तो कर दिए सर, हम बोले हाँ ठीक है, बोले पहले क्या करना चाहिए रिपीट नहीं होगा उसको लाना, हाँ हो गया सर। अब आखिरी स्टेप में आंसर लाने जा रहा हूं, जो रिपीट हो रहा है उसको क्या लाएंगे राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में राइट, तो सर ये कितने डिजिट है इसको देखना होगा, तो ये सर डबल डिजिट का दिख रहा है राइट, तो डबल डिजिट का दिख रहा है मतलब सर इस पर हमको इधर लाने के लेफ्ट साइड के इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, अगर ये 3 डिजिट होता तो क्या करते 1000 से गुना करते, तो आप ना पुनः है ना देखो, या फिर देखो समीकरण 2 को, समीकरण 2 को 100 से गुना करने पर, समीकरण 2 को 100 से क्यों गुना की बात क्लियर हुआ, क्योंकि सर ये डबल डिजिट है ना 5151 इसलिए 100 से गुना करने पर, और गुना करके देखो ऐसे 100 से इंटू कर दिया क्या हो जाएगा सर यहां पे ये 1000 हो जाएगा 1000y, और यहां से हो जाएगा सर 251.5151 ये तो चलता रहेगा, तो सर ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब कुछ मत करिए इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करो सिंपली बात खत्म हो जाएगा, तो समीकरण 3 माइनस है ना, या फिर समीकरण 2 को 3 में घटाने पर ऐसे लिख लो, समीकरण 2 को समीकरण 3 में से घटाने पर, जैसे घटाएंगे आपका 1 निकल गया, तो क्या करेंगे सर एक 1000y में 10y जाएगा तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ सर 990y इक्वल टू, एकदम लैंग्वेज इसी तरह से लिखना, बहुत ज्यादा नहीं है ना, नेक्स्ट टाइम बच्चे की मैं गलतियां देखता हूँ कि सर वो इतना ज्यादा लैंग्वेज लिखता है कि उसकी कॉपी पढ़ता हूँ जाता है, इतिहास का कॉपी में जांच कर रहा हूँ है ना, तो लैंग्वेज आपके कैलकुलेशन पे या कॉन्सेप्ट पे भारी ना पड़ जाए। मैथमेटिक्स से जिन बंदे ने आपकी कॉपी चेक करेगा स्वाभाविक मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होगा और इतनी थोड़ी बहुत समझ है, हर छोटी बात को लिख कर नहीं दिखाया जाता, ध्यान रखना ना इस बात को समझते हैं। तो सर ये 990y बराबर यहां से क्या अगर 251.55y में 2.551 चला जाएगा तो क्या बचेगा सर 251 में जाएगा तो बचेगा 249 राइट, तो यहां से y बराबर क्या लिख लेना जल्दी से कमेंट करना सर 249 और अपन क्या होगा 990। आप इसको छोटा कर सकते हैं सर, किससे कट रहा है बोले 3 से कट रहा है तो 3 से कटा सकते हैं, 9 से कट रहा है क्या नहीं, 18 6 नहीं कट रहा, 3 से कराई तो 83 और यहां से 3 से करा लेंगे तो 330, तो दिस इज योर राइट आंसर ठीक है। अतः भिन्न बराबर लिख लीजिएगा, अतः हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू 83/330 ये आपका उत्तर हो गया, दिस इज योर एग्जैक्ट राइट आंसर ठीक है। तो इस तरह से आप सवाल को बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट में लिख लीजिएगा, हालांकि आपके पास जगह थोड़ा सा लाइट है ना लंबा में ज्यादा रहता है तो आप उधर भी जा सकते, मैं सीधा आपको लिख के दिखा दिया हूं, तो 2 मार्क्स का सवाल का इतना ही करना आपको, ये आपके 2 मार्क्स पूरे दिए जाएंगे, यानी PYQ का जो फॉर्म है उसको हम चेंज कर चुके हैं 83/330 क्लियर है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले चुके होंगे, आइए हम देखते हैं कि और कौन से सवाल है जो 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है, हम उस पर बात करेंगे। ये क्वेश्चन आपके CG में सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है 2 मार्क्स में, हम चाहते हैं कि इसकी लैंग्वेज से ज्यादा पहले हम इसकी प्रोसेस पे तरजीह दूंगा मैं आपको, तो उसकी प्रोसेस को फिर फोकस करिएगा, फिर आपको हम लैंग्वेज बनाना सिखाएंगे राइट। क्या करते को भी 2 परिमेय संख्या देकर के या तो आपसे पूछा जाएगा कि 2 परिमेय संख्या निकालिए, या तो पूछा जाएगा बेटा 3 परिमेय संख्या निकालिए, या तो 4 परिमेय संख्या बोला जाएगा ना, यही सवाल रहता आमतौर पर, जब जब पूछा एक बार नहीं लगातार पूछी जा रही है, तो मैं आपको पहले प्रोसेस को बताता हूं उसके बाद लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। आपका एक ही काम होना चाहिए, पहला स्टेप क्या होगा 2/3 अलग अलग, अभी हम सवाल को बता नहीं रहे ना, प्रोसेस पे फोकस करो बेटा ना, लैंग्वेज बन जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं 3 स्टेप में आंसर लाएंगे, पहला काम करेंगे कि इसके बेस को बराबर करेंगे, क्या करें बेटा कोई भी फ्रैक्शन हो याद रखिएगा इसका बेस को यानी कि हर को क्या करना बेटा बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ता है एलसीएम,
तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा 21, तो आप समझ जाना इसको 21 कैसे बनाएंगे, तो ऊपर नीचे 7 से गुना करके, ठीक है। ये बात हम भाषा में लिखेंगे जरूर, लेकिन आप पहले प्रोसेस में ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो सर यहां से एक बन गया नंबर कितना 14/21 हो चुका है, और ये हो जाएगा कितना सर 15/21 हो चुका है। यानी पहला स्टेप सर हम सभी को क्लियर हो गया है कि दोनों का बेस को इक्वल करना है। अब सुनिएगा, अब क्वेश्चन पढ़ो कि कितने परिमेय संख्या निकालना है, 2 कभी 3 कभी 4 ऐसा ही पूछा जाता है। तो जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उससे 1 बढ़ा करके, राइट, ताकि ये जो स्टेप बोल रहा हूं मैक्सिमम बच्चे टेस्ट में कॉपी चेक करते हैं उसको छोड़ देते हैं, बच्चे आपको नहीं छोड़ना है। जितना परिमेय संख्या बोलेगा बेटा उसको 1 बढ़ा देना, 2 बोलेगा तो 3 से इस फ्रैक्शन के ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों फ्रैक्शन को। सर अगर 3 पूछेगा परिमेय तो 3 में बढ़ा दो, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 परिमेय संख्या पूछेगा तो बेटा ऊपर नीचे किससे गुना करोगे बोलो, सर उस केस में हम लोग 5 से गुना करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे फोकस करिए एक बार देखिएगा, तो सर यहाँ पे तो 2 पूछा तो 1 बढ़ा करके ऊपर नीचे क्या करना बोलो, 3 से क्या करोगे इसको आप इंटू कर लोगे, राइट, तो इंटू 3 कर लेंगे तो ये फ्रैक्शन क्या होगा देख लो सर, ये हो जाएगा 44/42 कितना हो गया बोलो 21/63, और ये हो जाएगा कितना बोलो ये 45/ कितना हो जाएगा 63। एक बार आप सारे बच्चे देख लेना, इसी के बीच में जो 2 परिमेय संख्या लाई करेगा कौन कौन है बोलो, सर ये 43/63 और 1 हो जाएगा 44/63। तो यही भाई आपका प्रोसेस। जी सर प्रोसेस तो क्लियर हो गया है। पहला स्टेप हमने बोला मिथुन सर की क्या करेंगे कि दोनों ही फ्रैक्शन की जो एसओ जो डिनोमिनेटर है बेटा है ना जो हार है उसको बराबर करेंगे, उसके लिए एलसीएम ले लेंगे, है ना। और उस दूसरा स्टेप आपने कहा था कि सर जितना नंबर निकाला जाएगा उससे 1 बढ़ा करके क्या करोगे ऊपर नीचे गुना कर दोगे। अब हम यही चीज अगर ये पता है तो भाषा बनाने में कितना समय लगेगा बोलो। अब भाषा के चक्कर में हम इस पर फोकस नहीं करते, हम प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें ना। आ जाओ अब हम आपको भाषा के तौर पर लिख देते हैं, शुरुआत करते हैं हल में। दोनों परिमेय संख्या की हर को है ना, देखो दोनों के हर हर देखो यहां पर स्टार क्या हो रहा है, स्टार 3 और इसका क्या है बोलो हर 3 तथा 7 का लघुत्तम समावर्तक इक्वल टू 21 लेने पर ठीक है। अब यहां पे ले लिया हम लोग, पहला से यही करना सर क्योंकि मुझे इक्वल करना है भैया, इक्वल करना है सर। ये तो लिखे नहीं, से इक्वल करना है लिखेंगे, डोंट वरी लिखेंगे, अभी टेंशन मत लो। पहले इतना तक क्लियर हुआ था, पहला स्टेप सर दोनों परिमेय संख्या का जो हर है बेटा किसका क्या 3 और 7 का एलसीएम बराबर 21 लेने पर, वो एलसीएम लिख लिए। अब सुनो स्टेप अगला, तो एक हमारा 2/3 है और एक हमारा फ्रैक्शन कितना बेटा 5/7 आराम से सर 21 हो गया, एलसीएम तो 21 सबको बना दो, 21 कैसे बनाएंगे बोलो, इसको 7 से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, राइट, और इसको हमको सर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आप यहां पे देखें तो ये हो जाएगा हमारा 14/ कितना बोलो 21, और यहां से अगर आप देखें तो सर ये हो जाएगा 15/ कितना बोलो 21, और इसको ब्रैकेट में लिख लो हर को बराबर करने पर। अब इसको हम बराबर ब्रैकेट में लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, हर को बराबर करने पर, बात खत्म हो गया क्या, हर को बराबर करने पर। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अब सर प्रोसेस से आ गए ना सर, आप जितना बोले थे जितना परिमेय संख्या निकाला जाएगा उससे 1 अधिक से गुना कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। जाओ कितना परिमेय संख्या बोला है 2, आ जाओ देखो चूंकि आगे लिखिएगा दोनों परिमेय संख्या के अंश तथा हर को, है ना, ध्यान दो अंश तथा हर को जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना उससे 1 अधिक से गुना करने पर, जितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है उससे अधिक से गुना करने पर,
करने पर, ये बात आपको मेंशन कर ही देना, ठीक है। चलो सर, अभी आप कहां तक पहुंच गया था, ये स्टेप सुनिए ध्यान से। एक यहाँ पर नंबर कितना था 14 अपन कितना होगा 21, और एक हमारा जो नंबर था सर ये 15 अपन हम लोग 21 था। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करना चालू करिएगा सर, दो निकालना तो तीन से गुना करेंगे, तो ऊपर नीचे तीन तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप यहाँ पर समझ जाओगे सर कुछ था नहीं एक्चुअली सवाल में। ये हो जाएगा सर 42 बटे कितना बोलो 63, और यहां से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अब बोल सकते हो सर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो 3 से, ये हो जाएगा 45 अपॉन 63। अतः इसके बीच में देखो भाई, इसके बीच में अतः देख लो 2/3 तथा क्या 5/7 के मध्य दो परिमेय संख्या क्रमशः, दो परिमेय संख्या आराम से ना क्रमशः कौन कौन का बेटा बताओ सर, यहां पे देखिए ना सर 42 से लेकर 45 के बीच में दो ही तो नंबर बच रहा है, कौन कौन 43 अपॉन 63 ठीक है तथा 44 अपॉन 63 है, खत्म हो गया। और क्या, ये आपको उत्तर लिख देना बेटा, यहां से आपका दो नंबर एक है ना आराम से पूरा पूरा दो नंबर मिलना, बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा ठीक। तो ये काम आपको करना था, मैं स्टेप पहले क्लियर कर दिया हूं, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इतना में आपको दो नंबर पूरा दिया जाएगा। हालांकि मैं पेज का थोड़ा क्लाइज कम किया हूं, क्योंकि आपके पास पेज थोड़ा सा लंबा रहता है, तो वहां पर बहुत प्रॉपर इसको लिख लेंगे आप आराम से, इतना भाषा को दो नंबर में आ सकता है वहां पर ठीक है। आइए अगला सवाल हमारे आपको चाहते सर, दो मार्क्स में सवाल है अगर और देखें तो हम एलसीएम एससीएफ से लगातार आपके एक क्वेश्चन वहां से बन रहा है, हर बार बन रहा है, पर खास करके फ्रैक्शन वाले जो सवाल आए हैं हम चाहते हैं कि एक बार इसको हम लोग क्या करें आराम से, एक बार हम लोग शिद्दत से देख लेते हैं। दो मार्क्स में सवाल है, आइए क्वेश्चन कर लेते हैं क्या है। सबसे पहले कभी भी अगर आपको किसी भिन्न का अगर मान लो दिए गए किसी भी भिन्न हो, भिन्न का जो लघुत्तम समावर्तक होता है बेटा उसको कैसे निकालोगे ये पहले समझो सारे बच्चे ठीक है, ये और समझते हैं। तो पहले जाके हल में लिख लो, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा कोई ऐसा दिया गया नहीं है, तो लिखो भिन्नों का लॉस यानी कि लघुत्तम समावर्तक क्या होता है बेटा, लघुत्तम क्या होता है, अरे सर बड़ा आसान है, किसी भिन्न का मतलब होता है क्या ऊपर वाले को अंश नीचे वाले घर बोलते हैं, तो जितने वाले जितने ऊपर में अंश होते सभी का क्या करते हैं हम लोग एलसीएम लेते हैं और नीचे वाले का एलसीएफ लेते हैं। तो लिख लो बराबर क्या होगा, अंश का लघुत्तम समावर्तक लॉस और हर का है ना, हर का क्या होता है बोलो सर, ये तो मौसम होता है ठीक है। चलो ये आपका कॉन्सेप्ट है जिसको आपको लिख के दिखाना होगा ना, ये आपको पहले ही लिख दो, ये पहले आपको लिख देना, क्योंकि दो मार्क्स में तो बहुत ज्यादा इस फॉर्म को गिवन डेट ये सब ऐसा करके टाइम खराब नहीं कर सकते, क्योंकि समय जगह भी थोड़ा कम होता है वहां पर, दो मार्क्स का है, आठ मार्क्स में होगा तो फुल इज्जत हम लोग देने का काम करेंगे, पूरी फुल इज्जत देंगे डोंट वरी। अब यहां से एक बार आप समझते हैं, आइए अंश यहां पे क्या क्या बेटा, अंश यहां पे क्या क्या बोलो सर, ये 2, 4 है ना तथा 6 का लॉस लॉस, नीचे आ जाओ हर कौन कौन है सर 5, 15 तथा 25 का मौसम। आप सारे बच्चे एक साथ कमेंट करने के बाद सर 2, 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा, हम बोले ऐसा नंबर जो है ना देखो ध्यान से 2, 4, 6 का एलसीएम, हालांकि आपको दो नंबर में आपको यहीं पे कहीं रफ में करके दिखा देना, आपको रफ में जगह रहेगा एक बार दिखा देना ना, 2, 4, 6 का एक बार एलसीएम आपको मेंस वाला मेथड से दिखा देना बेटा ना, आज एक बार 2 से निकालो फटाफट से, हालांकि आपको पता है कि सर 6, 12 होगा लेकिन आपको लिख के दिखाना वहां पे जरूरी है। 2 कम 2 जाएगा 2, 2 4 2, 3, 6 अब यहां से क्या करें सर, हम बोले क्या करोगे बताओ फिर से लगा दो सर, ये 3 रहेगा तो 3 से फिर से लगा दे सर ठीक है, तो 1:1:1 आ चुका है, यानी यहां से बोले तो सर ये लॉस क्या हो जाएगा बोलो, तो लॉस जो होगा आप देख सकते हैं सर 2 × 2 × कितना हो जाएगा 3 = क्या हो जाएगा 12 ठीक। आ जाओ तो यहां से आपको आराम से दिखा दे सर, इसका जो है ना ये 12 होगा लॉस होगा, और नीचे वाले तुमको पता ही है सर कि है ना एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है जल्दी सर, वो हाईएस्ट नंबर जो सभी को एक साथ डिवाइड करे ठीक है, डिवाइड तो 1 भी कर रहा है लेकिन हमको हाईएस्ट चाहिए सर, हाईएस्ट मौसम का मतलब होता है हाईएस्ट है ना, तो हाईएस्ट में सर 5 ऐसा नंबर है जो सभी को एक साथ डिवाइड करेगा, तो यहां से क्या हो जाएगा 5 ठीक है। तो अतः लिख लो अतः 2/5 4/15
तथा 6/25 का लॉसा बराबर, लघुत्तर समार्थक बराबर कितना लिख दोगे 12/6, इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। आइए इसको लिख लीजिए फटाफट से सारे बच्चे, दो मार्क्स में से ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपके पास स्पेस सफिशियंट रहता है कि आप इसको प्रॉपर लिख पाएंगे, ठीक। किसी बच्चे को भी तकलीफ होगा तो कमेंट करते हैं। तो दो नंबर में आपको तीन क्वेश्चन कराया, अभी अगला और भी तीन सेशन आना है, उन तीन सेशन में भी कुछ और भी टॉपिक आएंगे, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन सब टॉपिक से परसेंटेज हो गया, इन सब टॉपिक से दो नंबर के सवाल कैसे बने हैं, अभी सेशन और भी आना है। अगर अच्छा लगे तो आप इसके सारे पार्ट देखें, उम्मीद करेंगे आपके लिए बेनिफिशियल होना चाहिए ना, क्योंकि अभी आप ऑफलाइन क्लास है तो ऐसे है नहीं, तो कहने के है ना, जितना हो सकता है इसी चार वीडियो के माध्यम से आपके अंदर वो हम माइंड है ना शेड जो है चेंज कर देंगे कि सर लैंग्वेज से ज्यादा प्रोसेस दिमाग में चलनी चाहिए, लैंग्वेज तो बनी जाता है ना, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन आपको चार मार्क्स में दिखाते हैं, टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा सवाल है, और इस तरह के सवाल आपके पीएससी पहले भी पूछ चुके हैं, ध्यान रखना। क्या बोला सर, ए और बी ने किसी काम को मिलकर के 18 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी किसी काम को उसी काम को जो है 24 दिन में करेगा, जबकि ए और सी अगर मिल जाएगा तो उसी काम को 36 दिन में क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो बताइए सर, सब मिलकर के उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, बात क्लियर हुआ, ठीक है। तो आपको सिंपल यहां पे चार मार्क्स में तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, आ जाओ आपको क्या लिखना है, ए प्लस बी, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य, वन डे वर्क ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा सर, 1/18, 1/ कितना होगा, 18 होगा, ठीक है, 1/18। फिर आप आगे बोलिए सर, बी और सी का, तो यहां पे लिखना आपको बी प्लस सी का एक दिन का बोलो कार्य, एक दिन का कार्य क्या होगा बोलो, 1/24। आगे देखिएगा, एक दिन का कार्य क्या होगा जल्दी बताओ सर, 1/36। प्रोसेस एकदम एजली ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, चार मार्क्स के सवाल में शॉर्ट एंड स्वीट आंसर लिखना एकदम क्लियरिटी के साथ। तो सर ए प्लस बी और बी प्लस सी और ए प्लस सी का आपको एक एक दिन का काम आ गया, अगर आपको आगे बढ़ना है तो तीनों मिलकर के पूछा है, तो तीनों मिलकर के तभी निकाल पाएंगे जब इन तीनों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो लिखो तीनों को जोड़ने पर है ना, तीनों को जोड़ने पर यहां लिख दो, जो काम करो उसको लिखो, का या का के जगह पे की हो जाएगा तो इसका नंबर नहीं करता, ध्यान रखना ना। कई बच्चे इतने डरे होते हैं कि सर मुझे तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में दिक्कत हो गया, सर का के जगह पे की लिख दिया तो नंबर कट जाएगा सर, है ना। अरे भैया मैथ्स की कॉपी चेक कर रहा है उस बंदे को पता, भाई आपकी प्रोसेस इंपॉर्टेंट है ना, ये लैंग्वेज का उतना आप ग्रामर नहीं लिख रहे हैं, आपकी लैंग्वेज वहां पे चेक कर लेते हो, टेंशन ना लो, का और की इतना डिफरेंस आपको नहीं करना है, तीनों को जोड़ने पर लिखो, तीनों को जोड़ने पर क्या होगा जल्दी बताओ सर, जोड़ लो, हम बोले हाँ जोड़ लो, तो ए प्लस बी समझ लो, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी और प्लस सी प्लस ए, और जोड़ेंगे तो तीनों का काम को भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं सर 1/18 प्लस का 1/24 और प्लस 1/36, ध्यान से सारे बच्चे ना, आराम से चील मारना है ना, सर जोड़ो क्या, हम बोले जोड़ लो, इधर देखिए ध्यान से, अगर आप देखोगे तो a प्लस बी प्लस, यहाँ पे a दो बार आ गया, b दो बार और c दो बार है ना, टू ए प्लस टू बी प्लस टू सी, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो बड़ा सिंपली लिख लिया सर हम लोग, ए प्लस बी है ना, टू हमने कॉमन कर लिया है, इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम कितना हो गया सर, इसका अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो चुका हमारा कितना 72, राइट सर, 18 चौका 72, 24 दिया 72, 36 दूनी 72, तो अगर हम आगे बात करें तो सर ये 2 into यहाँ पे देखे, यहाँ पे हम 2 into a प्लस है ना प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, यहाँ पे आराम से देख लीजिएगा, यहाँ पे समझ लो सर, 4, 3, 7 और 2, 9, तो 9/ अगर आप बोले सर 9/ अगर 72 की बात करोगे कैंसिल हो जाएगा, 1/8 होगा, लेकिन याद रखना मेंस में आप कैंसिल करके यहां नहीं दिखाओगे कि सर यहाँ पे काट दिए, काट करके यहाँ नहीं दिखाना ना, यहाँ पे प्रोसेस के तहत आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप बिल्कुल भी नहीं काटोगे, उम्मीद करते यहाँ तक सारे बच्चे क्लियर होगा सर, ये दो क्या करेगा, ये दो तो बेटा नीचे आ जाएगा, तो नीचे जब आएगा तो यहाँ पे एक बार देख सकते हैं आप लोग सारे बच्चे, तो ए प्लस बी प्लस सी का जो वन डे वर्क है वो क्या होगा बेटा, 1/ कितना हो जाएगा बोलो, 16 होगा, क्योंकि ये दो जाके उधर डिवाइड होगा, पूछा वही था कि बताइए सब मिलकर के इस काम को कितना दिन में करेगा, लिख लो, अतः ए बी तथा सी मिलकर
इस कार्य को 16 दिनों में पूरा करेंगे। लिख लो 16 दिनों में पूरा करेंगे। हो गया आंसर और गया, ठीक है आ जाओ। तो आप देख पा रहे बहुत सिंपल तरह सवाल था, आपको कुछ नहीं करना पड़ा, आपको सिर्फ क्या करना, आपको ऐड करना था बस, है ना। तो 4 मार्क्स के सवाल में इससे ज्यादा लैंग्वेज आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर जल्दी से सारे बच्चे बता देना कि यहां तक क्लियर है क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बता देना, ठीक है चलो आगे बढ़े। तो 4 मार्क्स में सवाल है तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। अच्छा टाइम ओवर के और भी बहुत सारे सवाल होते हैं, टाइप एंड सिस्टम से लगातार सवाल बन रहा, तो हम कोशिश करेंगे इन 4 वीडियो में हर एक चैप्टर को मैं टच कर लूं, ये हमारी कोशिश होगी। अच्छा वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन काम का बात है, इसलिए आपको सुनना चाहिए, ठीक है आ जाइए अगला। 4 मार्क्स में एक और सवाल है, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, आइए बात कर लेते हैं फटाफट से। बोला था देखिए सर 4 मार्क्स का सवाल सीजीपीएससी 2019 में मेन से पूछा सवाल है, बोला कि दो जो परिमेय संख्या है उसके बीच का जो अंतर है ना वो 980 है। बोला सर जब बड़ी संख्या को यानी बड़ी परिमेय संख्या को छोटी संख्या से जब भाग देंगे तो भागफल जो है बताओ कितना मिलेगा। बोलो सर भागफल हमको 2 प्राप्त हो रहा है, शेषफल हमको 480, तो दोनों परिमेय संख्या बताओ। इन्होंने बड़ी और छोटी का मेंशन किया है, अब चाहे तो मान सकते हैं कि माना कि दोनों परिमेय संख्या क्रम से एक्स और वाई है। अगर और अच्छी बात है कि आप ये मानोगे सर माना कि बड़ी परिमेय संख्या बराबर एक्स और छोटी परिमेय संख्या बराबर वाई, उससे और भी क्लियरिटी उनको मिलेगा, ठीक है। चलिए सवाल की शुरुआत कर लेते हैं। 4 मार्क्स में उतना गिवन डेट वगैरह पे फोकस नहीं करना है क्योंकि आपको पता है किसके सॉल्यूशन भी तो है ना। आ जाइए, माना कि बड़ी परिमेय संख्या, माना कि बड़ी परिमेय संख्या बराबर x तथा छोटी परिमेय संख्या इक्वल टू y, बस आराम से, ठीक है आराम से करते हैं। क्वेश्चन क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, सब बोला था दोनों का डिफरेंस है ना, तो यहां पर ये बात क्लियर हो गया था सर दोनों का डिफरेंस, तो यहां से बोल सकते हैं है ना, इसलिए x माइनस वाई बराबर होगा कितना 980। ये हम पहला समीकरण यहां पे निकाल दिए जो सवाल ने बोला था। अब आगे पढ़ते हैं, अब प्रश्न अनुसार देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है, प्रश्न के साथ क्या बोल रहा है ना, कहीं इसको रफ में दिखा सकते हो कि सर देखिए सवाल ये बोल रहा था कि छोटी संख्या से यानी वाई से भाग दो एक्स को, ये बोला ना लार्जर नंबर को भाग देंगे तो भागफल हमको क्या मिलेगा 2 और शेषफल कितना मिल रहा है बोलो 480 जी। तो सारे बच्चे को आप में से मैक्सिमम बच्चे पता होता है कि सर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है भाज्य, हालांकि इस बात को यहाँ पे मेंशन करनी होगी क्योंकि आप मेंस लिखने जा रहे हैं नहीं, ठीक है सर। तो हम लोग ये बात समझ में आ जाएगा अभी हम लिखने वाले हैं, चूंकि भाज्य यानी कि डिविडेंड बराबर क्या होता है डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, मतलब भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो हम इसको रफ में करके दिखा चुके हैं, यहाँ पे एक बार आप देख सकते हैं सर वहां पर रख दूं, बोले हाँ तो सर भाजक भाज्य तो x है जिसे भाग दे रहे वो तो y है और इंटू ये 2 है और प्लस 480 है, मतलब बड़ा शानदार है हमारा यहाँ पे इक्वेशन बन चुका है, यानी कि x बराबर क्या हो गया 2y प्लस 480। हम चाहे तो इसको समीकरण नंबर आप बोले हैं तो हम इसको 2 दे सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर आपको यहाँ पे x और y का मान प्लग इन डायरेक्ट करने पर मिल जाएगा। चलिए तो लिख दे चुकी, समीकरण 2 का मान समीकरण 2 का मान समीकरण 1 है ना, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो तो उसको इसको उठा करके यहाँ पे सर यहाँ पे x के जगह पर क्या रख देंगे, देखो x के जगह पे हम पूरा रखने वाले हैं, देख लो यहाँ पे समझ करें ना, तो x के रख यहाँ पे रखूंगा 2y, देखो ध्यान से यहाँ पे प्लस का 480 माइनस y बराबर 980, आराम से 2y में से y घटेगा क्या बचेगा y और ये 480 उधर घटा देंगे बराबर से, तो बोल दोगे सर ये 500, मतलब छोटी संख्या तो पता चल गया, देख लो छोटी संख्या तो पता चल गया है, और यहाँ पर जैसे इसको रख देंगे क्या वाई बराबर समीकरण 1 में, तो यहां से आपको सॉल्व कर लोगे तो y बराबर यहां रखते ही आपको सर 500 इधर जुड़ जाएगा, तो x बराबर जो हो जाएगा कितना होगा बोलो 1480 निकल जाएगा, बात समझ आएगा। तो सर यहां से बड़ी और छोटी संख्या निकल गया तो लिख देंगे अतः अतः ये लिख लो ना अतः बड़ी परिमेय संख्या
बड़ी परी में संख्या बराबर कितना जा रहा है बोलो 1480 तथा लिख लो यहां पे तथा छोटी परी में संख्या तथा छोटी परी में संख्या आपको जो निकालो आपको सिंपली रख दो तुम प्रोसेस ऐसे लिख देना मेन से ना छोटी परी में संख्या इक्वल टू क्या होगा बेटा बताओ सर 500 तो ये उत्तर हो गया और क्या करना है इसी को आप लोग उत्तर बोल देंगे हेंस आंसर जो आपको समझ आ गया होगा ठीक तो चलिए इसको आप आराम से चार मार्क्स में लिखिएगा इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना आपको चार मार्क्स के लिए आगे बढ़े ठीक तो हमने तीन क्वेश्चन आपके दो मार्क्स में करा चुका हूं आपके चार मार्क्स में दो क्वेश्चन कर चुके हैं हम एक क्वेश्चन आठ मार्क्स में करते हैं और फिर हम लोग आपको डीआई की ओर लेके चलेंगे राइट चलिए शुरू करते हैं ये एक बेहतरीन सवाल था बोर्ड एंड स्ट्रीम का आमतौर पर बच्चे लगता है सर बोर्ड एंड स्ट्रीम का सवाल है मेंस में नहीं पूछते हैं अगर आपको याद होगा 2021 के मेंस का पेपर वहां पर भी 8 मार्क्स में बोर्ड एंड स्ट्रीम यानी कि नाव एवं धारा सवाल बने थे ये 2016 के सवाल उठा लिया हूं तो आप ये नहीं बोल सकते कि सर हम इससे बच सकते हैं ना तो वैसे टॉपिक जिसको आप बिल्कुल नहीं पढ़ते ध्यान इतने प्री में आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा तो हमारी कोशिश होगी कि इस क्वेश्चन को सिंपल शब्दों में 8 मार्क्स में है तो आपके पास स्पेस भी होंगी ध्यान रखना वर्ड लिमिट को आपको ध्यान में रखते आगे पढ़ना है क्वेश्चन को ध्यान सारे बच्चे पढ़ लीजिए एक नाव धारा की दिशा में मतलब अलोंग द रिवर जो है सो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चन 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है अच्छा टोटल दूरी जो है सो पानी के साथ साथ जाओगे तो 36 को गया किलोमीटर दूरी है ये और परंतु वापस आते हुए धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी मतलब दूरी तो वापस जितना गया उतना आया ठीक है सर जाने और आने में तो दूरी बिल्कुल सेम दिया यहां पे घबराना बिल्कुल नहीं ना ये चैप्टर फ्री का होता है क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत ही कम होता है अब चार पांच टाइप का सवाल पढ़ के जाओ उसे सवाल आना है ध्यान आया एग्जाम वाले तो कंफर्म है उतना ही दूरी को तय करने में 90 मिनट अधिक लगेगा अच्छा एक मिनट पानी के अगेंस्ट में समय अधिक लग रहा है मुझे वो तो लगता ही है अब पानी के साथ साथ जाओगे और पानी के उतना ही दूरी अगेंस्ट में चलोगे समय ज्यादा लगेगा क्योंकि बादलों जब पानी के साथ साथ चलते हो ना तो पानी भी आपको धक्का मारती है राइट और जिसके कारण भी आपको समय थोड़ा कम लगता है पानी भी आपको धक्का मारेगी जल्दी पहुंच जाओगे जब पानी के अगेंस्ट चलेंगे भागना तो पानी क्या करेगी आपको पानी आपको रोकेगी पानी के अगेंस्ट चलोगे तो पानी आपको क्या करेगा रोकेगी और उसके अगेंस्ट चलने से समय ज्यादा लगता है तो वही सवाल बोला कोई नई बात नहीं है सर और धारा की चाल यानी कि नदी की चाल यानी कि पानी की चाल आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है तो नाव की चाल क्या होगा ठीक है शुरुआत करता है क्वेश्चन को एक बार आपको ना लिखते हैं 8 मार्क्स में सवाल है तो एक बार आपको हम लोग उसी वे में लिखते हैं माना कि नाव की चाल गति बोला गति लिख लो नाव की गति बराबर x किलोमीटर पर आवर हम किलोमीटर पर आवर को इंग्लिश में लिख रहे हैं आप एक बार हिंदी भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं ठीक है ये उतना दिक्कत नहीं तो यहां पर क्यों ऐसे तो मान लिए तो आगे तो सर कुछ दिया हुआ है मतलब क्या दिया भाई देखो दिया हुआ क्या दिया है क्या दिया बोलो सर धारा की चाल दिया ना पानी की चाल यानी कि धारा की गति दिया हुआ है धारा की गति कितना दिया सारे बच्चे कमेंट करो बताओ सर ये 2 किलोमीटर पर आवर दिया ना सर ये 2 किलोमीटर पर नहीं 2 किलोमीटर प्रति घंटा आपके धारा का चल दिया हुआ है अच्छा जब एक्स और वाई यानी कि नाव की चाल और पानी की चाल पता चल जाए तो आप दो और चाल निकाल सकते हैं क्या नाव का पानी की दिशा में चाल और बेटा नाव का पानी के विपरीत दिशा में चाल सर ये कैसे आपको मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं कई बार प्री में मेरे यूट्यूब पे भी आप लोग वीडियो देखे होंगे मैं अक्सर वहां पे बहुत क्लियर बोलता हूं बेटा पानी के साथ साथ जाएंगे पानी आपको धक्का मारेगा मतलब मदद करेगा यानी आपकी स्पीड को बढ़ाने में मदद करेगा तो जब पानी के साथ साथ जाएंगे दोनों की चाल बेटा जुड़ता है किसका किसका नदी का चाल और बोट का चाल जब अगेंस्ट में जाते तो घटता है तो ये बात को यहां पे मैं इस्तेमाल में भी लाने जा रहा हूं ये भी करेंगे तो दिया ही तो है ना देखिए दर नाव की गति धारा की दिशा में नाव की गति या धारा की दिशा में नाव की गति ऐसे भी लिख लो भाषा जैसे बना सकते हो स्पीड ऑफ बोट इन अलोंग द रिवर स्पीड ऑफ बोट अलोंग द रिवर खत्म ठीक धारा की गति में गति में
नाव की चाल, नाव की चाल। अरे सर धारा के गति में मतलब समझ लो, पानी के साथ साथ जा रहे हम लोग, बोले ठीक तो है। बोट तुम्हारा एक्स और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा टू, यानी कि ये जो हो जाएगा एक्स प्लस टू किलोमीटर पर आवर, ये बात ध्यान रखना। तथा समझो धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत, सर ये विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल, नाव की चाल क्या करोगे बताओ? सर धारा की जो विपरीत होगा ना, दोनों की चाल घटने वाला है, क्योंकि आपको पता है पानी इसको धक्का मार के उसको चाल कम कर देगी, यानी जो बोट का होगा उसको कम करेगी पानी की चाल, तो पानी को माइनस करना पड़ेगा आपको ना, ये बात आपको समझ में आता है। ठीक है सर, यहां तक तो बात क्लियर है। एक ये 90 मीटर के बारे में कुछ कहा सर, हम बोले आप पता क्या है वो बोलो, पानी के साथ साथ तथा पानी के विरुद्ध चलने में जो समय का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है। जब पानी के अगेंस्ट में चलेंगे आप तो पानी के साथ साथ चलने की तुलना में आपको 90 मिनट अधिक समय लगेगा। तो आप बोल सकते हो ना, दोनों चालों के द्वारा ना, धारा के विरुद्ध तथा विपरीत चालों के द्वारा है ना, तय की गई दूरी में लगा समय का अंतर है वो, तो यहां पर लिख दो सर, क्योंकि क्या वो दोनों चालों द्वारा तय की गई दूरी, तय की, हम क्वेश्चन की शुरुआत नहीं कर रहे, 8 मार्क्स में तो फुल इज्जत देना पड़ेगा, सुन लो, तय की गई दूरी में लगा समय का अंतर, दूरी में लगा समय का अंतर है वो, अंतर बराबर कितना दिया बेटा 90 मिनट। ठीक है, ये 90 मिनट दिया है, 90 मिनट दिया। ठीक है सर, सुना गया जी। अब प्रश्न आने सर आगे बढ़ते हम लोग, ये शुरू करूंगा, इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं, इतना तो लिख लिया क्या, इतना तो एक बार मैं रफ कर दूंगा, सारे बच्चे एक बार देख लेना। ये सब गिवन डेट और माना होना जो भी था क्वेश्चन में अप्रोच था, 8 नंबर में तो आपको गिवन डेट माना सब कुछ लिख करके दिखाना पड़ेगा। 2 मार्क्स में होगा तो गिवन डेट वगैरह पे ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे स्पेस हमारा कम होता है ना, ये बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ये सारी बातें हम लोग लिख लिए हैं, अब हम लोग सीधे बोलेंगे प्रश्न अनुसार जो सवाल ने बोला है इस बात को हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। आ जाओ, सारे बच्चे पता होगा सर कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, क्या होता है बेटा दूरी बटे चाल होता होता है क्या जी? तो सर ये जो मिनट जो टाइम जो है सर डिफरेंस जो दिया हुआ है, देखो ध्यान से ना, यहाँ पर जो टाइम दिया है कुछ भी नहीं करता सर, टाइम बराबर सभी बच्चे पता है ना, टाइम बराबर था सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लेकिन बेटा यहाँ पर स्पीड बदलेगा, पानी के अगेंस्ट में हमारा स्पीड क्या हो जाएगा एक्स माइनस टू, और पानी के साथ साथ स्पीड होगा एक्स प्लस टू। तो यहां से एक बार हम आपको दिखाई देते हैं ना, तो यहां पर मैं बताता हूं कि सर ये टाइम है ना, ये जो टाइम है विपरीत जो दिशा में लगाया, तो टाइम बराबर सीधा बोलिए ना सर, दूरी, दूरी कितना चला बोलो 36 किलोमीटर, सर इसका जो चाल है देखो ना, चाल हम बोले एक्स माइनस टू से चलेगा विरुद्ध में, तो ये हो जाएगा टाइम, कौन सा टाइम, पानी के अगेंस्ट में जो लगा वो। ठीक है, इसको एक बार प्रश्नानुसार मेंशन कर ही देना, प्रश्नानुसार, हालांकि उसको मैं लिख करके दिखा दिए तब भी। तो सर ये रहा दूरी और ये रहा हमारा चाल, तो ये बन गया समय। अब ये समय में कौन समय घटाएंगे, जब पानी के साथ साथ जा रहा है उस समय को माइनस करेंगे, राइट? तो फिर से समय बराबर क्या होगा, दूरी और पानी के साथ साथ जा रहा है उसका चाल कितना बोलो एक्स प्लस कितना टू, और इन्हीं के दोनों के बीच का डिफरेंस दिया सर 90 मिनट। ये 90 मिनट दिया सर, मिनट तो नहीं चलेगा, बोले बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा, है ना, उस मिनट को ना आवर में चेंज कर लो, आप इसको मिनट को क्या करो बेटा आवर में चेंज कर लोगे, राइट? ठीक है, तो कैसे करोगे सर? अरे सर सिंपल 60 से भाग दे दो ना, बोले चलो दे देंगे आने वाले वक्त में, नहीं तो क्या करेंगे हम लोग इस 90 को क्या करने वाले हैं सर, 60 से भाग दे देंगे, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि 3/2 आवर्स है ना, ये 3/2 आवर्स है। आइएगा एक बार हम लोग इसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं भाई। सर 36 को कॉमन कर लो, हम बोले हाँ बिल्कुल कर लेना चाहिए था अभी तक तो आपको ना, एक्स माइनस टू और ये माइनस ये एक्स माइनस का टू इक्वल टू हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3/2 आवर्स, क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, हम बोले यहाँ पे प्लस होगा बेटा ना, ये प्लस लाओ इधर, तो यहां से कैलकुलेशन में आपको स्टेप नहीं भागना क्योंकि 8 मार्क्स का है, तो ये हो जाएगा कितना होगा x प्लस का 2 माइनस, और ये घटेगा तो ये होगा माइनस, और माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 2। ठीक है, खत्म। और यहां से जो होगा बेटा ये x, देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो सर यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई के जगह पर क्या होगा सर, यहाँ पे 2 का 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। आपको पता है कि एक्स एक्स कट जाएगा, कटा के दिखाना नहीं है, मेंस है ना यहाँ, तो आपको यहाँ पे आगे बढ़ जाना। सर ये हो जाएगा 36 और यहाँ पे बच गया बेटा क्या 2+2 = 4, ठीक है। और यहाँ पे जो रहेगा हमारा वो एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा हमारा 3/2। आप लोग देखते रहना सारे बच्चे ना, 3 से कट जाएगा सर ये कितना 12 बच्चों का 48 × 96, रुक जाओ। तो सर यहां से आप कैलकुलेशन यहां कर दूं, देखिए 3 से कटाओगे 12 बच्चों का 48 × 96 मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर हो जाएगा 96। तो ये माइनस सर उधर जाके जुड़ेगा सर, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बोलो 100 होगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा बोलो √100 का मतलब हो जाएगा बेटा 10। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 किलोमीटर/आवर, सब कुछ रखे हैं तो ये भी किलोमीटर/आवर ही होगा। अतः आपको यहाँ पे वही पूछा गया था, तो लिख सकते हैं अतः नाव का चाल, नाव का गति या नाव की गति है ना, चाल लिखो या गति लिखो बताओ सेम है। तो कितना होगा 10 किलोमीटर/आवर आंसर हो गया आपका 10 किलोमीटर/आवर। तो ये जाके आपका उत्तर हो चुका है, एक बार आप इसको लिख सकते थे। तो आपको बस ये बोर्ड एंड स्ट्रीम पे सवाल लगातार एक जैसा ही बन रहा, तो इसको थोड़ा कैलकुलेशन को ध्यान रखना होगा और कुछ बातें आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, ऐसा नहीं डिफिकल्ट है ये चैप्टर, महा आसान चैप्टर बता दूं मैं आपको ना, तो इसको लिख लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अब हम लोग डीआई, क्योंकि मेंस के पेपर आप देने जा रहे हो, अब डीआई आपको नहीं पढ़ रहे हैं ये दिक्कत है, क्योंकि आमतौर पर ऑफलाइन में फैकल्टी आपको डीआई पढ़ाते नहीं है। मैं आपको यूट्यूब पर जो आपको 4 वीडियो डाल दिए थे यूट्यूब पर 3 के लिए वीडियो, तो उसको भी अगर जो बच्चा मान लो डीआई में कमजोर है, क्योंकि डीआई से 10 क्वेश्चन अगर आ गया तो दिक्कत हो जाएगा आपको, तो बेटर मैं सजेशन दूंगा भैया अगर प्रोसेस तो सीख जाओगे, लैंग्वेज तो बना ही लेंगे हम लोग, तो डीआई के मेरा यूट्यूब पे आपके लिए सीजीपीएससी के लिए 2 वीडियो डाला हूं है ना, तो उस वीडियो को प्लीज अगर आप लोग देख जरूर लेना, अगर फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगा खास करके मेंस वाले एस्पिरेंट को। तो हम लोगों ने देखा कि 8 मार्क्स में से ज्यादा कुछ भी नहीं करेंगे। सर आइए आपके स्क्रीन पे एक आपको डीआई दिख रहा होगा, हम डीआई का डायग्राम भी लेकर क्या है सर, ये कौन सा डीआई है बता दूं, डीआई में आपके है ना 4 ही तरह के सवाल आमतौर पूछा जाता है, ये बार ग्राफ का डीआई है। मैं हिंदी पहले सारे बच्चे समझा दूंगा, दोनों लैंग्वेज में रखते तो जगह कैलकुलेशन कम होता, लेकिन मैं प्रयास किया हूं सवाल को दोनों लैंग्वेज में रखा हूं। क्या बोला है, जो गिवन जो बार ग्राफ दिया है वो क्या शो कर रहा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, हम लोग कुछ निर्यात किए कुछ आयात किए हैं, समझा क्या नहीं, तो आयात और निर्यात कितना किए हैं किस साल में, उन सभी को ये डायग्राम में दिखाया गया है। तो डीआई को पढ़ने के बाद देखो सबसे पहला बेटा डीआई को पकड़ने का सबसे आसान तरीका होता है उसके मेन हेडिंग पढ़ना, तो मेन हेडिंग जैसे पढ़ लिए तो हमें इस डायग्राम के बारे में समझ डेवलप होने लग गया है। सीधा बोला कि सर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सब कुछ ब्रैकेट में जो है डेटा मतलब ये करोड़ में दिया हुआ है, किसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है सर, तो स्टील का कर रहे हैं किसके द्वारा, तो भाई एक कंपनी के द्वारा एक स्टील का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और ये डेटा जो दिया सब करोड़ में है, और कब से कब से लेकर के 2013 से लेकर 2017 में। अब आपको मुझे लगता है डायग्राम को एक बार देखना चाहिए था सर, 2013 से लेकर 2017 बड़ा ये जो अलग अलग जो 2 कलर होता है ना, इसका भी कुछ मतलब होता है एग्जाम हॉल में। जो बच्चे पहली बार डीआई पढ़ रहे हैं, मैं फिर बोलूंगा एक बार यूट्यूब पे मेरी जरूर देखना वीडियो 2 को डीआई का, आपको डीआई किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं, खास करके मेंस के लिए आप तैयार हो जाओगे। अब इतना वक्त है नहीं कि आपकी आपकी मुलाकात हमसे कभी हो पाएगी ऑफलाइन में है ना, इस सेशन में तो नहीं हो पाएगा, इस वजह से बता रहा हूं। तो सर ये रेड वाले ना इंपोर्ट को दिखाएगा, ये ग्रीन वाले एक्सपोर्ट को दिखाएगा। जी सर समझ गए, अब हम 2013 में 330 करोड़ का इंपोर्ट हुआ है, तो 400 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है जी, यहां पर 1400 करोड़ से दिख रहा है, मतलब सर हमको एफडीआई का ना ये डायग्राम क्लियर हो गया बेटा। आ जाओ अब हम आपको सीधा सीधा सवालों की ओर लेके चलते हैं। क्या बोल रहा है पहला सवाल ध्यान रखना, बोला सर देखो 2015 और 2017 के कुल आयात जो कुल टोटल जो इंपोर्ट हुआ है ना बेटा उसका, अच्छा और आगे देखो 2013 और 2016 में जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है यानी कि जो निर्यात हुआ है सर उसका अनुपात बताओ। तो आपको जो प्री के लिहाज से देखेंगे खट से मार देंगे, पहले प्रोसेस को क्लियर करो फिर भाषा बना दूंगा, तो प्रोसेस इंपोर्टेंट है। सर 2000 आ जाओ, इंपोर्ट वाला मतलब रेड वाला कलर, ठीक है सर 2015 और 2017 मेरा 2015 यहाँ पर है 2017 यहाँ पे, जो ये रेड वाला कितना जल्दी से कमेंट करो फटाफट सारे बच्चे को। ये सर 2015 में आपको यहाँ पे दिख रहा है इंपोर्ट कितना 450 और 17 में दिख रहा है सर 550, तो इसको जो जोड़ देंगे ना सर 550 हो जाएगा 1000, तो यानी कि 1:1 होगा। रुको पहले प्रोसेस दिमाग में चलना चाहिए, फिर रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, मैथमेटिक्स वाले बच्चे पहले सीखो इस बात को, लैंग्वेज बनाना कौन सी बड़ी बात है बेटा। तो सर पहले क्वेश्चन बन गया, हाँ बोले आधा तो खत्म हो गया है, 15 और 17 का इंपोर्ट निकल गया, एक्सपोर्ट निकाल देते ना सर, यहां देख लो
फिर आपको लिख लिख के दिखाऊंगा प्रॉपर इज्जत देखे ना। 13 और 16 यहाँ पे है, 16 यहाँ पे है। सर क्या एक्सपोर्ट? सर यहाँ पर ना ये 8400 है और 16 में भी 440 है तो जुड़ जाएगा। हाँ 400 और 440 मतलब 840 है ना, 840। तो इसका रेशियो निकाल दो, निकाल दो तो सर निकालूंगा ना तो क्या होगा हमारे बताओ, 4 का तो 25:21 हो जाएगा सर, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हम बोले हाँ अच्छा, ये मैं ऑप्शन इसलिए रखा हूँ, ये ऑप्शन आपके मेंस में ऑप्शन नहीं होता, ध्यान रखना मेंस में ऑप्शन नहीं होता, लेकिन बच्चा अभी डीआई जो पहली बार पढ़ रहा है तो ऑप्शन में एक बार रख दिया कि मुझे पहले आपको प्रोसेस समझाना था फिर लैंग्वेज लिखना था। मेंस में कोई बच्चे कमेंट कर मत करना कि सर ऑप्शन क्यों रखे हो, बेटा वो मैं आपसे कह रहा हूँ पहले प्रोसेस सिखा रहे हैं इसलिए ना। तो आपको यहाँ पे प्रोसेस समझ आ गया, आंसर वेरीफाई हो गया, अब आपको लैंग्वेज लिखाना सिखा रहे हैं। आ जाओ अब आपको डीआई को लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं इस चीज को बात एक लिख लेते हैं। आ जाइए, सिंपल तरीका है पहला, वो 1000 जो है इसको जोड़ के दिखाना है। देखो 2015 और 2017 है ना, यानी टोटल इंपोर्ट ऑफ 2015 एंड 2017 इक्वल टू जोड़ के दिखा देना ना, 2015 और 2017। ज्यादातर बच्चे हिंदी मीडियम के यूट्यूब पे रहते हैं, जैसे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, हालांकि मैं खुद ही इंग्लिश मीडियम के बच्चा हूँ लेकिन फिर मैं लिख रहा हूँ हिंदी मीडियम, क्योंकि ज्यादातर बच्चे इसी पे हिंदी मीडियम के। 2015 और 2017 का कुल जो है सो आया, कुल आयात, तो आपको क्या करना है कुल आयात को दिखाना है। 2000 कहां पे, 15 में, 2015 कहां पे बेटा यहां पे कितना था 450 प्लस 2000 आपको यहां पे दिखाना 17 पे कितना था 550, ठीक है चलो, और बराबर कितना होगा 1000। ये आपको कैलकुलेशन करके दिखाना था, इसको कहते हैं मेंस, प्री में ऐसे लिख देंगे इसको हम लोग, कैलकुलेशन करके दिखा देंगे। आ जाइए आगे बात कर लेते हैं बराबर से। अब यहां पे हो गया, अब यहां पे बताओ कौन सा है, 2000 कब, 2013 और 2016 का कुल निर्यात ये भी आपको क्या करना है निर्यात बराबर दिखा बेटा। 2013 कहां पर है, यहां पर ना सर, 13 और क्या है 16, 13 में 400 है और यहां पर बोलो 16 में कितना 440, तो इसको लिखिए 400 प्लस का 440 इक्वल टू क्या होगा 840, ठीक है। देखो अब दोनों का अनुपात लेने पर लिख लो, अब दोनों का जगह इतना है तो हम उसको इसके हिसाब से लिख रहे हैं, दोनों का अनुपात लेने पर फटाफट से ले ले भैया, यहां देखिए रेशियो लीजिए तो यहीं पे ले लो क्या, 1000 और 840 का जो अनुपात लेंगे तो इसको आप समझ सकते हैं कटाना नहीं है, कटा करके आपको लिखना होगा 25:21। अतः लिख लो, अतः आंसर यहां पे लिखना होगा, अतः कुल आयात तथा कुल निर्यात का अनुपात है ना, अलग अलग साल को मेंशन, यहां पे साल को मेंशन कर ही दिए हैं तो आपको वहां मेंशन बार बार करने की जरूरत नहीं। अतः कुल आयात तथा कुल निर्यात का अनुपात क्रमशः कितना कितना जल्दी बताओ सर, 25:21 है बस, डेट्स ऑल, दिस इज योर मेंस, हो गया। तो ये बात जो आप लोग डायरेक्ट लिखते थे वो आपको मेंस में लिख करके दिखाना होगा, उम्मीद करते हैं बात भी क्लियर रहा होगा। ये आगे बढ़ते हैं सर, एक और डीआई हम अभी रुको, इसी को अभी एक सवाल और करते हैं यहाँ पे हम लोग, है ना। देखिए क्वेश्चन को पढ़ना चालू करिएगा, फिर से एक रेशियो का सवाल है, तो सेम टाइप का सवाल है क्या, बोला सर टोटल इंपोर्ट ऑफ स्टील 2000 इतना इतना, देखो सेम बात है, 14, 16 और 17 में जो टोटल जो क्या हुआ बेटा, जो इंपोर्ट हुआ है वो व्हाट परसेंट लेस देन, कितना प्रतिशत कम है किससे, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ 13, 15 और 17 का। हम बोले ठीक है पहले वो तो निकाल लो, हालांकि सवाल अब बहुत सिंपल हो गया है ना, अब निकाल लेते जाइए। देखो 2000 लिखित आंसर, 2014, 2016 और 2017 में है ना, 17 का कुल आयात निकाल लो फटाफट से सर, वो तो निकाल लेंगे हम, बोले आ जाओ यहाँ पे आयात है ना, चलिए सर फटाफट से इंपोर्ट निकालिएगा, 14 पे आ जाओ बोले, 14 पे यहाँ पे कितना बोले, यहाँ पे 360 है, यहाँ पे कलर चेंज करने के बाद मतलब सर एक तो 360 मिलेगा हमको, हम बोले हाँ कब, 14 में
फिर 16 में जाना पड़ेगा, 14, 16 और 17, एक हमको मिलने जा रहा है 500 और एक हमको मिलेगा 550। तो यहाँ पे बराबर से इसको मेंशन कर दीजिए एक बार, ज्यादा वक्त आपके पास नहीं है। तो सर 360 राइट, एक हो जाएगा 500 और एक हो जाएगा कितना बेटा 550। तो सर जोड़ लो, हम बोले हाँ बिल्कुल जोड़ना चाहिए, इसमें कोई जोड़ने वाले कोई ऐसी बात हो ना। अगर 6,5,000 प्लस कितना 300, 1300 हो गया था, प्लस यहाँ पे 110 यानी सर 1410 हो चुका है। रहने दो उसको, अब देखिए ध्यान से, अब कौन कौन सा जी, 2013, 2015 और 2017, 2017 का कुल निर्यात, कुल निर्यात देखिए क्या है बराबर। पहले सर यहां पे बता दो, सर यहां पे बता दो तो हमको अच्छा क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाता है। बोले हाँ ठीक है ना, डायग्राम को देखो और यहां पे लिखो, मतलब अगर आसानी से कहीं नंबर उठेगा वो डीआई है, क्या वो प्री है? आपको देखे होंगे 2022 के प्री में 10 क्वेश्चन डीआई से पूछे गए थे, और मेंस में तो हर बार डीआई पूछ ही रहा है। तो प्रयास करो कुछ नए नए डीआई को लेकर आऊं ताकि आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो चारों सेशन में प्रयास करूंगा एक डीआई तो कम से कम लेकर के आऊं ही आऊं, डोंट वरी, है ना, ये हमारी प्रयास होगा। तो सर एक बार बताओ, 2013 यहां पर है सर, यहां पे 400 एक्सपोर्ट है, 2015 यहां पर है ये 600 है सर, और 2017 में है 650। तो सबको लिखो, हम बोले हाँ आ जाओ मेंशन कर लो फटाफट से, ये हो जाएगा 400 प्लस का हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा कितना 650। मतलब अगर देखे तो सर ये हो जाएगा 1600 कितना बोलो 50, ठीक है। तो प्रतिशत कमी पूछ रहा था ना, तो आ जाओ प्रतिशत कमी, ठीक है आ जाओ सीधा सीधा बोलो सर कुल आयात में ना, यहां पर लिख रहा हूं ना कुल आयात में प्रतिशत कमी लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखो प्रतिशत कमी, बोलो कुल आयात में प्रतिशत कमी, या प्रतिशत कमी लिखो सीधा प्रतिशत, ठीक कमी कैसे होगा, प्रतिशत कमी या कमी प्रतिशत जो भी लिखोगे आ जाओ। कुछ नहीं करते, दोनों का डिफरेंस 1650 माइनस, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को दो दो नंबर के हिसाब से किया हूं, अपॉन जो कमी हुआ है, देखो ना तुलना किससे किया, इतना का कुल आयात इतना से कितना प्रतिशत कम है, तो तुलना किससे किया ये अभी आपको देखना पड़ेगा, 1650 से राइट, कुल निर्यात से क्या है, क्या कितना प्रतिशत कम है या क्या प्रतिशत कम है, तो पूरा जो आपका जो है सो एक्सपोर्ट ये है, एक्सपोर्ट उससे कंपेयर किया गया है ये, तो एक्सपोर्ट को क्या करो नीचे रख लोगे, ध्यान रखना ना, गुने क्या करोगे 100। तो यहां से कैलकुलेशन आप यहां पे देख पाएंगे, एक बार क्या हो रहा है सर बताओ, यहां पे माइनस करो, उंगले कर लो, तो जब इसको माइनस कर रहे होंगे तो ये तो ऐसा आ जाएगा सर 240 आ रहा है सर, 240 और बटे कितना हो गया 1650 और ये गुने क्या होगा बोलो 100 होगा। तो इसको रफ में जाके अगर आप करने जाओगे तो कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, क्योंकि आपको यहां पर नहीं रफ में ही करना पड़ेगा, तो ये 00 मन में कटा लो, रफ में आ जाओ 240 एक बार रफ में आकर के एक बार चेक करना पड़ेगा आप सभी को, और ये हो जाएगा हमारा 100। तो सर पहले 00 कटा दो, हमें कटा दी, अब बताओ सर और काटो, हमें काट दो, अच्छा ध्यान से ना, 5 से कराओ सर इसको, हमें कितना बार में 5 से कराएंगे सर, ये 20 बार में कट जाएगा, 5 से कराओ क्या ये 33 बार में कट जाएगा, ठीक है 3 से कटेगा सर 11 बार में, सर 3 से कटेगा 8 बार में, मतलब तो कैसे 8 × 2 = 16, अरे की 11 से भाग दो, हम बोले दे दो, तो 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44, फिर 11 × 5 = 55, 14.5%। तो यहां से जो आपका मिलेगा सर ये मिलेगा 14.5% कमी, है ना, इतना परसेंट कमी लिख लेना। अतः कुल जो है सो अतः कुल जो आयात है कुल निर्यात से 14.5% कम है, लिख सकते हो भाषा में, तो कैलकुलेशन कैसे किया समझ आ गया क्या, तो ये आपका आंसर हो गया, लिख लेना अतः कुल आयात कुल निर्यात से 14.45% कम है, वही बोला था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं आपको रख लिया ताकि आपको समझ में आएगा, हालांकि मेंस में ऑप्शन वहां पे रहेगा नहीं, एक बार वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। आइए अब इस पे एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को 3 क्वेश्चन रखा था, 2-2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, तो इस पे एक क्वेश्चन प्लीज आप जरूर करके दिखाना मुझे, है ना, इसका आंसर आपको अगर इसलिए ऑप्शन देखिए ऑप्शन में कमेंट करके बता देना कि इसका क्या होगा, कि एक डीआई पे 3 सवाल लिया था, 2 में किया, 1 आप करोगे, एक और डीआई में नया लेकर के अभी आ रहा हूं और उसका सोल्यूशन करने के बाद ही हम सेशन को फिनिश करेंगे, और अभी इसके 3 सेशन और आएंगे, और प्रयास करूंगा कि मैं आपकी हर एक चैप्टर की एक जो है सो लॉजिक आपके अंदर डेवलप कर दूं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो इसका जो है एक बार स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले लीजिएगा, और इसका एक बार आंसर मुझे आप क्या कर देना कमेंट में जरूर बता देना, मैं एक बार चेक भी करूंगा एक बार। आइए, एक नई तरह का डीआई है जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको हम मेन हेडिंग रख दिए है, आपको टेंशन नहीं लेना है। सही भी क्या बार ग्राफ, तो 4 वीडियो में हम चारों तरह का डीआई कवर कर लेंगे, आज बार ग्राफ कर लिए, कल टेबुलर कर लेंगे मान लो, है ना,
आगे आगे जितने भी टाइप के आपको डीआई मिलने जा रहे हैं सब कुछ हम लोग क्या करेंगे एक एक करके पाई पाई चार्ट वगैरह सब कुछ हम लोग लाइन ग्राफ ये चारों को हम लोग क्या करेंगे हर दिन एक एक वीडियो में रखते चले जाएंगे जिससे आपको हम डीआई भी कवर करा सकते। आइए पढ़ते हैं फटाफट सर क्या है यहाँ पे बोला सर दिया गया जो अष्टम आलेख है ना ये आलेख हाँ इसमें क्या क्या दिया बोला सर क्या प्रेजेंट किया है कुछ रिजल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल फॉर फाइव एकेडमिक ईयर्स। अच्छा ओके 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 सुनो ध्यान से एक अलग अलग पांच अलग अलग विद्यालय में अलग अलग देखो एक विद्यालय में क्या क्या है देखो एक स्कूल का रिजल्ट दिखा रहा है ये जी सर स्कूल का रिजल्ट दिखा रहा है हाँ रिजल्ट दिखा रहा है कितने बच्चे पास हुए कितने बच्चे फेल हुए अलग अलग पांच सालों में है ना और ये कहानी यहाँ पे 13 से 14 में शुरू हुआ बेटा ये सर ये अलग अलग कलर आप लोग को दिख रहा है कि नहीं देखो ये जो डार्क दिख रहा है ना स्काई ब्लू ये जो कलर है बेटा पास का और ये जो आपको थोड़ा सा कम डार्क दिख रहा है वो आपके फेल का है मतलब 13-14 सेशन में बात करें तो पास 150 बच्चे हुए तो 100 बच्चे फेल हो गए 14-15 सेशन में बेटा ये जो ना पास वाला ये फेल वाला 200 बच्चे पास होते 100 बच्चे फेल हो जाते हैं राइट और ये 15-16 की बात करें सर 300 बच्चे पास हुए 50 बच्चे फेल हुए यानी कि आपको ये डायग्राम तो समझ में आ गया सर अलग अलग साल में कितने बच्चे पास हुए बेटा कितने बच्चे फेल हुए इसी को मेंशन किया है। आइए क्वेश्चन क्या पूछता है एक बार हम लोग को नजर डालना पड़ेगा बोला सर पांच शैक्षणिक वर्षों की उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की औसत संख्या क्या होगा यानी कि जो बच्चे पास किया है उसका एवरेज क्या होगा आ जाइएगा सारे बच्चे एक साथ ना उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की औसत संख्या क्या होगा है ना दो यहां पे उत्तीर्ण विद्यार्थियों है ना उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक क्या करोगे सर तो औसत का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ सर दो साल का निकालोगे ना दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दो हमें सही बोल रहा है आपको यार सर तीन साल निकालोगे ना तीनों को जोड़ के तीन से भाग दे दो हम बोले यार हम तो पांचों साल का निकाल रहे हैं तो बोलो सर ऐसा करो ना सर पांचों साल का ना जोड़ करके पांच से भाग दे दो ठीक है तो यहां पे लिख लो है ना कुल अंक पांच वर्ष का है ना लिख लो पांच वर्षों का कुल अंक डिवाइड बाय कितना होगा बेटा पांच होगा ठीक है तो यही पे हम लोग सॉल्व करना बड़ा बढ़ता जाइए सर यही पे बताओ पांचों अंक पांच वाला अंक 150 लिख के दिखाना बेटा यहाँ पे लिख के 150 प्लस कितना हो जाएगा बोलो 200 हुआ पास आगे बोलिएगा यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा मैं डायग्राम के कारण थोड़ा कम है आपके लोग ऑफलाइन सॉल्व करते हो आपको वहां पे डायग्राम नहीं दिखा रहा है ना ये 250 है और ये क्या हो रहा है बेटा 300 है और हम लोग किससे भाग देंगे सर पांच से भाग देंगे ना सर जी जो लोग का प्रॉपर सर ये 250 और ये कितना 150 400 हो गया और ये 6 और 4 10 और ये तो 1200 अच्छा हो जाएगा सर 1200 और 1200 को 5 से भाग देंगे 24 × 5 = 120 होता मतलब 240 ठीक है तो 240 देखो एक ऑप्शन में है लेकिन आपको वहां ऑप्शन नजर नहीं आएगा लिखना ना अतः उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत अंक बराबर 240 है ठीक है एक बार अभी कंफर्मेशन के लिए भी आपको पता चल जाए लेकिन आई ऑप्शन आपके एग्जाम में नहीं दिए जाते हैं इतना ही करना है डीआई में आपको बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए आगे बढ़े हम लोग देखिए मैथ्स का सेशन है थोड़ा सा लंबा होगा और मैं प्रयास करते हुए चाहता तो 2 नंबर के एक ही क्वेश्चन करा के आगे बढ़ सकता था मैं चाहता तो 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स से 2 क्वेश्चन का एक ही करा सकता था राइट लेकिन हमने ऐसा नहीं किया मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर दो जाकर के आगे बढ़ रहे इतने सवाल करो सेशन इसलिए लंबा हो रहा है भाई ना तो एक घंटे का सेशन ऑलमोस्ट जाएगा ध्यान रखना ना सारे बच्चे देखने वाले बच्चे पहले बता देता हूँ आइए एक सवाल यहाँ पे और करेंगे इसी डीआई का क्या बोल रहा है देखो ध्यान से व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु फेल्ड ड्यूरिंग द 5 एकेडमिक ईयर्स टेकन टुगेदर पांचों साल के जो है टोटल एकेडमी की बात करना होगा टोटल की तुलना में कितने परसेंट बच्चे फेल हुए तो भैया सिंपल है पहले तो टोटल फुल फेल विद्यार्थियों की संख्या निकालो बेटा और टोटल विद्यार्थी का मतलब होगा वही टोटल में से क्या करना सभी विद्यार्थियों की टोटल बच्चे को ऐड करना पड़ेगा ठीक है तो यहां से हम लोग काम कर लेते आ जाओ पहले कुल यहां पे लिख लो पांच शैक्षणिक वर्षों में कुल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या लिख लो पहले निकालो
पांच वर्षों में कुल 3 विद्यार्थियों की संख्या, पहले ये निकालो भैया फटाफट से, इसको लिख लेना वहां पे, सर निकल जाएगा, हम हाँ निकल जाएगा ना सर, यहाँ पे फटाफट से जोड़ो सर, 100 100 ऐसे लिख देना पांचों साल ना, लिख के दिखाना होगा सर, पहले सेशन में 100, दूसरे सेशन में 100, तीसरे सेशन में सर इसकी संख्या 50 निकल गया, तीसरे चौथे सेशन में फिर 100 बच्चे फेल हुए और अभी हमारा 100 फेल हुआ, यानी कि सर टोटल की अगर बात करेंगे ना तो 450 हो गया, देख लो सर 450, बहुत बढ़िया। पांचों साल में कुल टोटल विद्यार्थी कितना थे देख लो, है ना, पांच वर्ष में कुल उपस्थित विद्यार्थी ना, देखो यहां पे ठीक है, एकत्रित कुल विद्यार्थी है ना, एकत्रित कुल विद्यार्थी कितना बेटा बताओ, विद्यार्थी सर की जो संख्या होगा, क्या करूंगा, फेल को भी जोड़ूंगा, बोला अरे फेल पास दोनों होगा जी, फेल पास दोनों जोड़ लो, आ जाओ यहाँ पे देखो फटाफट से, यहाँ पे टोटल बच्चे कितना थे सर, यहाँ पे देखो पहले साल में आपको ये समझना पड़ेगा सारे बच्चे को, सर 150 बच्चा पास हुआ तो 100 फेल हुआ, टोटल बच्चे कितना था 250 लेंगे, यहाँ पे सर टोटल बच्चा कितना 300 देख लो, 100 200 बच्चा पास हुआ, एक फेल हुआ, 100 फेल हो गया है सर, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, बोले 350 दिख रहा है हमको, यहाँ पर कितना दिख रहा है सर, यहाँ पे हमको तो वही दिख रहा है सर 350 राइट, यहाँ पर कितने बच्चे दिख रहे सर 400, तो आपको इस तरह से लेना पड़ेगा बेटा ना, तो टोटल विद्यार्थी निकलेगा तभी तो परसेंटेज निकलेगा जी, तो ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 300 और 350 करके दो बार 350 प्लस का 350 बाद और आगे आप लोग 400, तो टोटल अगर जोड़ोगे तो जोड़ लो सर, ये 700 400 1100 और 300 कितना हो गया सर, 1100 और 300 हो जाएगा 1400 और ये 1650 हो गया टोटल विद्यार्थी ठीक है, आ जाइए तो यहाँ पे लिखो है ना, अनुतीर्ण प्रतिशत निकाल लो, अनुतीर्ण प्रतिशत कैसे निकलेगा सर, टोटल विद्यार्थी कितना हुआ बोलो बराबर से 450, उसको ऊपर रख लेंगे सर, कुल विद्यार्थियों को 1650 को इधर रखेंगे और गुने क्या करेंगे 100 निकालेंगे ना, तो काट पीट को रफ में देख लो यहाँ पे, इधर रफ में देख लेना बेटा मैं यहीं पे कर रहा हूँ ठीक है, अब समझ जाना, 50 से कराएंगे 9 बार में से, 50 से करेगा 16 32 और कितना ये 33 बार में, 3 से करेगा 3 बार में, 3 से करेगा सर 11 बार में, मतलब अगर देखे तो सर 300 बटे क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ध्यान से देख लो सारे बच्चे ना, लगभग बोला भी है ना, लगभग बोला भी है करेक्ट टू द नियरेस्ट इंटीजर, तो सर 11 से भाग दे, हम बोले दे दो भाई 300 को, कोई दिक्कत नहीं है सर, 11 2 22 8 बज गया सर 80, यानी कि 11 77 लगभग 27% के आसपास, नियरेस्ट कहां पर है सर, तो 27 के आसपास यहाँ पे दिख रहा है आपको देख लो, उसके नियरेस्ट है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या मारोगे 27%, आप लोग मारना नहीं, यहाँ पे लिख कर दिखाना उसको नियरेस्ट, चाहो तो पॉइंट में दे दो कोई दिक्कत नहीं है, 27 point something रहेगा ना, आ जाओ, तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना बेटा, ये आपको उत्तर लिखना होगा ठीक, तो ये ओवरऑल आपके सेशन थे, एक बार आप लोग जल्दी से बताना अगर सेशन में कुछ सीखे आप लोग, कुछ नई बातें मैं आपको सिखाया खास करके डीआई के सेशन में, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो जितने विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े थे मैं प्रयास किया कि आपके 2 मार्क्स के 4 मार्क्स के 8 मार्क्स के और ये जो डीआई के हमने कोशिश किया था 1 6 मार्क्स में 4 मार्क्स में, हर डीआई के क्वेश्चन 2 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाता नहीं, तो अगले सेशन हमारी अगला क्लास नहीं, कल आपको फिर मुलाकात मिलेगा हमारे अगले सेशन में, तो हम लोग उसमें क्या करेंगे वैसे टॉपिक जो आज हम टच नहीं कर पाए, लेकिन डीआई को मैं रखूंगा, डीआई को आपको सीखना है, माध्यमिका बोलो उसको भी रखेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके प्रॉफिट लॉस हो गए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स अभी हम ट्रेन के सवाल नहीं लिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस को नहीं लिए, तो हर एक चैप्टर को मैं टच करने की प्रयास करूंगा, तो उम्मीद करते हैं बहादुर आप सभी को बेनिफिट हुआ होगा इस सेशन को, अगर अच्छा लगे सेशन को शेयर कर देना अपने दोस्तों तो बता देना, और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आपको हम पहले ही दे चुके थे, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.